हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप रमंडल और आप लोग देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोरिंग एसएमएल फिशिंग। गाइस, सबसे पहले धन्यवाद आप लोग इतना प्यार दे रहे मेरे चैनल को एंड आगे तक भी आशा करता हूँ कि देते रहे। तो गाइस, स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे कंटेंट पर। आज का जो कंटेंट है वो बनने वाला है ये ब्रीडिंग सेटअप जो गोयू के तरफ से है, मतलब मैंने खरीदा हुआ ये, और इसको फर्स्ट टाइम मैं भी जो सेट करने वाला हूँ। और क्यों करने वाला हूँ, कौन सा फिश मेरे प्रेग्नेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, उसमें से ये वाली गप्पी पूरी तरीके से प्रेग्नेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसको यहाँ पे डाले हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हो इतना ओवरलोडेड है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये यहाँ पे डिलीवर ना कर दे, और यहाँ डिलीवर करेगी तो शायद मैं सारे बच्चों को रेस्क्यू ना कर पाऊँ। एंड साथ में ये येलो वाली भी प्रेग्नेंट है, आप देख पा रहे हो, लेकिन इसको अभी थोड़ा टाइम है। तो लकीली मुझे दोनों ही गोल्डन जो है मुझे मिल गए हैं फीमेल, पर मेल नहीं है। बट अगर इनका बच्चा होता है तो डेफिनेटली उसमें भी मेल आ जाएगा। तो इसको अभी हमें यहाँ से हटाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट है और ये 3 दिन के अंदर डिलीवर डेफिनेटली कर देगी। तो मुझे इसको ब्रीडिंग बॉक्स में डालना है। तो यही आज का कॉन्टेंट है, हमें ब्रीडिंग बॉक्स बनाना है और इस फिश को वहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो गाइज, आपके पास अगर ऐसे गप्पीज है जो पूरी तरीके से प्रेग्नेंट है, और ये तो आइवरी ग्रीन है जो काफी ज्यादा मस्त वाली गप्पी है, तो तुरंत जो है उसको सेपरेट कर ले और ब्रीडिंग बॉक्स में डाल दे। और गाइस, आपको तब सेपरेट करना है जब आपको दिखेगा कि पूरा ग्रेविट स्पॉट जो है एकदम ब्लैक हो चुका है एंड मेल्स उसके पीछे बार बार पड़े हुए हैं और वो हाइडिंग प्लेसेस ढूंढ रहे हैं और उसका मूवमेंट भी थोड़ा सा स्लो हो चुका है। ये सिम्टम्स दिखते ही फिश को तुरंत ट्रांसफर कर ले। तो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे पास है ये बोयू का ब्रीडिंग सेटअप, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। मॉडल नंबर है 3202A। एनीवेज, मैं पहले तो ब्रीडिंग सेटअप को तो खुद ही बनाता था, पॉन्स वगैरह। तो इस बार मैंने ये खरीदा हुआ है काफ़ी टाइम से और अभी मुझे सेटअप भी करना है, मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया हुआ है। एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने देखा हुआ है, इवन एक्वेरियम शॉप्स में देखा है। इसका प्राइस आई थिंक 300-400 रुपीज़ कुछ है, मुझे वो भी पता नहीं। आप एक बार जो है फ्लिपकार्ट में सर्च कर लेना या फिर तो अमेजोन में। तो चलिए इसका सेटअप पहले तैयार करते हैं। और यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि दो मिलेगा, आप दो फिश एक साथ रख सकते हो, राइट। और नीचे आप देख रहे हो ये गैप, यहाँ पे आपके फ्राइज जब भी होंगे वो फ्राइज यहाँ पे रिटेन हो जाएंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो। आई थिंक इसको पूरा निकाल भी सकते हैं। तो चलो हम पहले जो है इसको सेट करते हैं, और इसको जो है हम एक्वेरियम के अंदर रखने वाले हैं, और हम इसी एक्वेरियम में रखने वाले हैं और यहाँ से हम पॉट वगैरह निकाल लेंगे। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बाप रे, काफ़ी सारा चीज़ें दिया हुआ है, अब मुझे इसको पहले लगाना पड़ेगा। तो सेट करने का मैं नहीं दिखाता आपको, क्योंकि वो अगर आपने कभी खरीदा तो आप खुद भी कर लोगे इंस्ट्रक्शन देखकर। तो मैं खुद करता हूँ एंड फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस, जो भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। एंड ये नेट वगैरह दिया हुआ है, करता हूँ मैं तो पिक्चर देख देख के सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया इसको, पहले करता हूँ मैं। तो गाइस, सही बोलो, जैसा दिख रहा था उतना भी कोई टफ है नहीं, आराम से हो जाता है। मुझे तो ये करने में शायद 10 मिनट लगा होगा टोटल, एक बार समझ लेना एंड देन आप खुद ही आराम से कर पाओगे। सिर्फ ये चीज़ें है ना थोड़ी टाइट है, तो ये संभाल कर आपको लगाना पड़ेगा, एक बार अगर टूट गया ना तो गया। तो अभी मैंने पूरा बना लिया है एंड इसको हम पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट कर लेते हैं, इस फ्रेम को पूरा फिट कर लूँगा, ठीक है। एंड फिर ये आप देख रहे हो जालीदार, ये तो मेन है, इसको लगा के दिखाता हूँ, पहले इसको पूरा फिट कर लेते हैं। तो गाइस, ये ब्रीडिंग सेटअप जो है पूरा बन चुका है, इसका फ्रेम बन चुका है बेसिकली। ये जस्ट जो दिया हुआ है नेट, ये मुझे लगाना है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, एक बार का ही जो है ये आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा सेट हो जाएगा। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बाद आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे दो सेक्शन दिए हुए और दो तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। और अगर आपका सिर्फ एक फिश प्रेग्नेंट है तो आप इसको निकाल दो और ये पूरा स्पेस एक फिश के लिए रहेगा। अगर आपका दो फिश प्रेग्नेंट है तो इस तरीके से आप दो डिविजन कर सकते हो। तो मेरा तो दो फिश बहुत प्रेग्नेंट है, एक तो इस टैंक में है, आपने देखा है बहुत ज्यादा, एंड एक और है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो गाइस, दो सेपरेशन करने का रीजन ये है कि ये गप्पी भी हमारी जो पॉन्ड में है काफी प्रेग्नेंट है, आप देख पा रहे हो। पर अभी मैं इसको देखो कितना ज्यादा ओवरलोडेड है, तो आज तो मैं फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, ठीक है। और जो हमारा सेपरेशन हुआ है तो इस गप्पी को हम लेकर जाएंगे कुछ दिनों के बाद, मे बी 1-2 दिन के बाद, क्या बोलते हो? तो गाइस, जैसे कि आपने देखा दूसरा वाला है बहुत प्रेग्नेंट है, तो अभी फिलहाल मैं एक ही फिश रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो इसको कर देते हैं। और जैसे ही उसका डिलीवरी हो जाएगा और वो वाली प्रेग्नेंट फिश जो आउटडोर पॉन्ड में है उसको आई थिंक मैं 1-2 दिन के बाद छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ से देखता हूँ कैसे इसको लगाना है, इसको मैं लगा लेता हूँ पहले। तो ये देखो गाइस, बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसा फोटो में दिखाया गया है बिल्कुल मैंने वैसा ही तैयार किया हुआ है, मतलब ऐसा ही होता है ये। बहुत मज़ा आ गया, बहुत सही है यार, मतलब काफ़ी स्टर्डी लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये, और आसानी से टूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो हम अभी पहले इनको लगा लेते हैं यहाँ पर एंड फिर इसको पानी में डालकर इसमें हम फिश ट्रांसफ़र करेंगे हमारा।
तो गाइस ये फंक्शन कैसे करता है, तो देखो यहाँ पे सेपरेटर है, यहाँ पे हमने मान लो अपना गप्पी रखा, तो गाइस 2-3 दिन के बाद वो फ्राइज डिलीवर करेगी और ये जो आप देख रहे हो होल्स, यहाँ से फ्राइज जो है नीचे आ जाएगी इस जगह पे और यहाँ से आप फ्राइज को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कलेक्ट करने के लिए एक ही प्रॉब्लम है, इसको पूरा निकालना पड़ेगा बहुत ही स्लोली। आप कलेक्ट करके उनको फिर सेपरेट कर दीजिए, उसके बाद फिर से इसको जो है आप लगाकर दूसरे फिश को यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 फिश को आप ब्रीड भी करवा सकते हो एंड 2 फिश को यहाँ पे रख भी सकते हो प्रेगनेंट फिश। एंड आपको अगर ब्रीडिंग भी करवाना है तो इसको पूरा ओपन कर दीजिए, इसमें एक फीमेल एक मेल डाल दीजिए एंड आपका ब्रीडिंग भी हो जाएगा यहाँ पे। एंड साथ ही में गाइस एक अच्छा बात है कि इसको आप जो है एंटायरली जो है इस टैंक के अंदर या बड़े बड़े टैंक के अंदर इसको रख सकते हो एंड उससे जो है आपकी फिश को अलग भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपके प्रेग्नेंट फिश को अलग कर दिया इस पानी से तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएगी फिश। तो अभी हम इसको जो यहाँ पे अंदर डाल देंगे एंड अपने फिश को इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइस अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें इस स्पॉट को हटाना पड़ेगा। एनीवेज मैं स्पॉट को हटाने ही वाला था और यहाँ पे स्टोन्स लाने वाला था। बाय द वे इसको भी हटा देंगे हम लोग और इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और इसका पोजीशन हमें यहाँ रखना पड़ेगा, पानी के टॉप लेवल तक नहीं रख सकेंगे क्योंकि नहीं तो फिर फिश यहाँ से ऊपर आकर टैंक में चले जाएगी। तो हमें ये थोड़ा स्लाइटली ऊपर रखना पड़ेगा इतने जगह पे। तो चलो सबसे पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से स्लोली एंड इसको डाल देता हूँ अंदर। तो गाइस मैंने फिलहाल तो है वो हटा दिया है एंड साथ ही में इस वाले पैकेट में ये केरला से आया हुआ पैकेट है, इसमें मैंने 2 फिश को अभी ट्रांसफर किया है जो मैंने पॉन्ड में था और दोनों कोई गप्पीज है। तो बेसिकली एक बच्ची है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है एंड दूसरी वाली जो है अभी प्रेग्नेंट होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो गाइस इसको यहाँ पे एक्लिमेटाइज होने के लिए डाल देता हूँ फिलहाल साइड में एंड अब स्लोली जो है हमारे इस ब्रीडिंग सेटअप को यहाँ डालता हूँ। ओके, तो जगह बहुत कम हो रहा है यहाँ पे, स्लोली डाल देता हूँ मैं। इतना आई थिंक बिल्कुल काफी है। ओके, तो गाइस इसमें जितने भी एयर बबल से निकल जाने देता हूँ फिलहाल तो एंड इनको देखो कितने मजे दे रहे हैं एंड उन 2 फिश को एक्लिमेटाइज हो जाने देते हैं और 15 मिनट के बाद हम हमारे प्रेग्नेंट गप्पी को पकड़ेंगे अंदर डाल देंगे। होपफुली ये 2 दिन ही ऐसा रहे और बच्चे सारे मिल जाए हमें, फिर उनका एक अलग से सेटअप बनाएंगे और इस टैंक को भी अपडेट करना है। पीछे पूरे स्टोन्स डाल देंगे हम लोग, ठीक है, तो देखते हैं। तो गाइस मैंने हमारे इस फिश को पकड़ के यहाँ पे डाल दिया है और इसको यहाँ पे रहने देते हैं। तो इसकी एक्टिविटीज़ को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे इनके अगर बच्चे नहीं दे रही है, पर आई थिंक ये 3 दिन के अंदर फॉर श्योर दे देगी। एंड देन यहाँ पे एक और जो है हमारा स्लॉट खाली है, इसमें हम दूसरे वाले फिश को रख देंगे। कल मैं देखूंगा उसकी कंडीशन और अगर वो भी प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो चलिए आइए इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो छोटी बच्ची जा रही है अभी। ओके, अब मैं छोड़ रहा हूँ कोई गप्पी जो फीमेल है। ओके, डाल दिया। तो गाइस इस फिश को मैंने अभी अभी डाला है, देख पा रहे हो ये कोई गप्पी है लेकिन फीमेल है, तो इसको मैं बहुत ही संभाल के जो यहाँ पे रखना है इसको, क्योंकि गाइस इसके बच्चे भी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे क्योंकि कोई गप्पी बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो अभी तो इसका पीछे थोड़ा सा रेड कलर दिख रहा है और अभी भी ये पूरी तरह से प्रेग्नेंट नहीं है, पर मैं बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे रखूंगा कि ये कब प्रेग्नेंट हो रही है और क्या, एंड हम अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसफर करेंगे। एंड जो छोटी बच्ची है वो देखो, ये दिख रहा है आपको, छोटी सी बच्ची है ये, अभी 1 महीने आई थिंक 1 महीने की है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे ग्रो होने देते हैं तो मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस इसका अपडेट लेके मैं आते रहूँगा और वैसे तो अभी स्ट्रेस फ्री है यहाँ पे, बाप रे इसका पेट की कंडीशन देखो। तो आई जस्ट विश कि 2 दिन के अंदर ये बच्चे दे दें एंड इसको अच्छे फीडिंग देंगे, फिर मैं आप लोग के पास अपडेट लेकर आऊँगा। और खुशी इस बात की कि आइवरी ब्लू या ग्रीन जो भी है उसके बच्चे होंगे तो सही में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्राइज, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस बताना कैसा लगा, कुछ डिटेल्स चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट पर लिखकर जरूर पूछ लेना और इसका अपडेट तो आने ही वाला है, इस टैंक का सेटअप भी चेंज होगा वो भी आएगा। एंड गाइस आपको अपडेट भी दूंगा कि बच्चे कितने हुए और कैसे मैंने रेस्क्यू किया, कहाँ रखा, सब कुछ। तो इस तरीके का सेटअप एक खरीद लीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे 2 चेंबर्स है, आप 2 फिश रख सकते हो या फिर आप सिंगल को भी रख सकते हो या फिर तो ब्रीडिंग सेटअप भी बना सकते हो एक फीमेल एक मेल डालकर। तो कुछ नए वीडियोज लेकर जल्दी वापस आता हूँ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।